हरिओम, आपको स्वागत है आज दिव्यवाणी कार्यक्रम में, जहां हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं आपके राशिफल की, कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। और साथ ही साथ पंचांग की भी चर्चा करता हूं कि आज का दिन किस मुहूर्त में कौन से कार्य करने, कौन से कार्य नहीं करने, किस दिशा में यात्रा करनी है, किस दिशा में यात्रा नहीं करनी है, हम इनकी चर्चा करेंगे। किंतु उसके पूर्व आज जिनका जन्मदिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामना, अभिनंदन, शुभाशीर्वाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि आपने अभी तक नहीं किया तो कृपया कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको निरंतर निर्बाध रूप से मिलती रहे, आप इसका लाभ उठाएं, इसका आनंद उठाते रहें। तो आइए, आज 21 जुलाई दिन बुधवार, आज के दिन चातुर्मास के नियम प्रारंभ हो जा रहे हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार, ये शयन को 4 महीना चले गए, ये क्षीर सागर में अपनी शेषनाग की शैया में विश्राम हेतु गए हैं। इन 4 महीना में हमें उनकी बहुत आराधना करने की आवश्यकता है, ये मोक्ष प्रदायिनी है। तो आइए, विक्रम संवत 2078, शाक्य 1943, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है, जो कि 2 दिन के 2:01 तक, तदुपरांत त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र संध्या 5:14 उपरांत इसके मूल नक्षत्र लगनी है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचरण कर रहे हैं, और आज का अभिजीत मुहूर्त नहीं है यह स्मरण करा दूं, किंतु जो हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं अभिजीत मुहूर्त के बारे, इसकी जानकारी अवश्य देना आवश्यक लगता है कि लगभग 1 घंटे का कालखंड हमें प्रतिदिन लगभग मिलता है। अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य या यात्रा का प्रारंभ ये चीर काल तक शुभ फलदायी होता है। अभिजीत मुहूर्त में ही कार्य करेंगे ऐसा है तो, किंतु आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इसके ठीक विपरीत राहु काल प्रतिदिन किसी 1-1.5 घंटे का कालखंड हमें मिलता है, इस बीच में कोई भी शुभ कार्य या यात्रा का प्रारंभ नहीं किया जाता है, जो कि आज 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के मध्य है। आज उत्तर और वायव्य दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, यदि टाला जा सके तो टाल दें, अति आवश्यक हो टालने योग्य नहीं है कार्यक्रम तो। आपके रसोई में धनिया है, थोड़ी सी धनिया ग्रहण करें, और सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें और यात्रा का प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए, 12 वर्षीय की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम मेष राशि की चर्चा मैं कर लेना चाहूंगा। थोड़ी आज का दिन थोड़ी परेशानियों के साथ व्यतीत होगा, कल अच्छा भी था, फिर कल अच्छा हो जाएगा, ये धूप छाप तो लगे हैं, थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन भगवान के चरणों में अपना दिन को समर्पित कर लें, देखिए आराम से बिना किसी परेशानी के समय निकल जाएगा, ऐसे ही प्रयत्न करना है। बाकी जो ईश्वर का दिया है वो हमें स्वीकार ही कर लेना उचित होता है। वृषभ राशि की चर्चा आदि करूं तो यह कहा जा सकता है कि जो दैनिक व्यवसाय है, व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी घाटा लगने की, किसी प्रकार की घाटे की संभावना है, इससे आपको सजग रहने की आवश्यकता है, और जो भी है इसे सुधार हम लोग कर सकते हैं, अभी व्यापार में घाटा। मिथुन राशि की चर्चा करूं तो पुरानी व्याधि के कारण थोड़ी कष्ट की संभावना बनती है, कोई पुरानी व्याधि जिसके कारण आपको परेशानी थी वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। जबकि कर्क राशि की बात करूं, संतान को लेकर किसी प्रकार की मन में चिंता के योग बन रहे हैं, थोड़ी देखभाल करें स्वयं को भी, संतान के बारे में थोड़े से मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और बाकी भगवान को समर्पित कर दें, निश्चित सब अच्छा ही होगा। सिंह राशि की चर्चा करूं तो मित्र के साथ झंझट, आपके जो विशेष मित्र हैं उनके साथ किसी प्रकार की मतांतर हो जाए, और उस मतभेद के कारण थोड़ा मन भी आपका व्यथित रह सकता है, क्योंकि मित्र का स्थान तो एक भाई की तरह होता है। कन्या राशि की बात करूं तो आपका पराक्रम शौर्य कहीं न कहीं आपको परेशानी में डाल दे,
कभी कभी कोई अच्छी चीज भी उल्टी दिशा पर उसका परिणाम आ जाता है, उसके प्रति सावधान रहने और सजग रहने की आवश्यकता है। तुला राशि की बात करूं, संचित धन की हानि, आपने कुछ धन इकट्ठा कर रखा था जो उसमें किसी प्रकार की बड़े अचानक से कोई बड़ा खर्च हो जाए, अनावश्यक भी हो सकता है या कहीं गुम ना हो जाए, उसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि की चर्चा करूं तो कमर और कमर के निचले हिस्से में हो सकता है पाइल्स की अगर आपकी कोई समस्या रही हो तो वो कहीं उभर ना जाए, या अपने खान पान दिनचर्या को ठीक रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के उदर संबंधी रोग भी होने की आशंका दिखती है। जबकि धन राशि वाले को बताऊं, यात्रा हो सके तो कोई टाल दे, क्योंकि यात्रा में थोड़ी कष्ट हो सकती है और इस उद्देश्य से आपको यात्रा है, वो यात्रा हो सकता है कि आपको वो फल ना मिले। मकर राशि, आय के मार्ग में रुकावटें आएंगी, थोड़ी चिंता का विषय बनता है। एक बार कि जो आपके मार्ग ऑलरेडी पहले से चल रहे थे आय के मार्ग, उसमें किसी प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, फिर अच्छा हो जाएगा, सजग रहें, क्योंकि आपने अच्छा भी किया है तो पुनः अच्छा हो जाएगा। और कुंभ राशि प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि अपने पिताश्री के प्रति थोड़ी आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है, उन्हें स्वास्थ्य बाधा के योग दिख रहे हैं, विशेष ध्यान दें उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनका आशीर्वाद देते रहें, सेवा करते रहें, निश्चित मंगल होगा। अंतिम राशि मीन राशि, धर्म कर्म के प्रति उदासीन भाव आएंगे, कहीं धार्मिक भावना थोड़ी कम हो जाए ऐसी आशंका लग रही है। चेष्टा करें, कलयुग में तो धर्म के प्रति थोड़ी इस प्रकार के भाव आ ही जाते हैं, लेकिन अपनी दृढ़ता, अपनी संकल्प शक्ति को समर्पित करते हुए भगवान के चरणों में उनसे ही प्रार्थना करें कि मेरी भक्ति बनी रहे, और अगर भगवान की कृपा बनी रही तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। पारो राशि की चर्चा कर दी मैंने, और जाने से पूर्व पुनः स्मरण करा दूं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर तो आप कर रहे हैं प्रियजनों को, उन्हें उनका लाभ मिलता रहे। लेता हूँ विदा, कल पुनः किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम तत्सत।